मेरा नाम अखीज है। मैं उसाब आ गए। सो गाइस आज हम अगेन वापस आ गए एक और वीडियो को लेकर, और आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम जो है ना बीबस का वीडियो देखने जा रहे हैं, बट आज का वीडियो टोटली डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस बीबस की वीडियोस में देखेंगे शादी हो गया रे बाबा इंडियन बोडो लोकल वेडिंग। यस, जो है ना आज हम जो है ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बोडो की जो लोकल वेडिंग है ना उसको वॉच करने जा रहे हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा हमारा, और आप लोगों से कहते हैं रिक्वेस्ट चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लास्ट में शेयर करना, और अपनी कुछ वीडियोस के बारे में भी आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना। तो गाइस अब टाइम नहीं जाएगा, जल्दी से जो है इस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। यानी आज बोडो की वेडिंग हमें काफी क्लोज नजर आने वाली है, ऐसे दिखने को मिलता है गांव के साथ ही। ये सही है, हमको जिंदा मत छोड़ो खाना। अभी हम लोग पहुंचने वाला है फाइनली भाभी के घर। भाभी के घर है कि नहीं यार? वो कंफ्यूज है, मुझे लगता है ये सारी साथ ना इसके साथ ना बरात की गाड़ी है। हाँ। और बरात के लोग वाली वैसे वैसे ही खिसक गए होंगे। देखो भाभी ने यहाँ मिलना है भाई साहब मेरे को। अच्छा यार ये दूल्हा तो नहीं है? आई फील इट। शाबाश। तो भाई अभी फाइनली हम सबको मिलने वाला है क्या? क्या सरप्राइज मिलने वाला है कोई बताओ? एंजॉय करो। अबे क्यूट है बंदा ये। भाभी लेके जा रहे हैं अबे। तो और भाई लोग यहाँ पे दूल्हा मतलब ओ यार ये वो ये समझते ना आप लोग कर रहे हैं। अब देखो भाभी लेने जा रहा है साले। हंसी देखो भाई लोग यार इतनी मस्ती। ओए होए ये देखो 20 किलो मेकअप लगा के देख देख दिखा फेस दिखा। नहीं मुझे नहीं लगता, अगर 20 किलो मेकअप लगाओ तो उन्होंने कपड़ा नहीं रखना था ना। जाने वाला ये रास्ता आप देख रहा होगा कि छोटा सा रास्ता है भाई साहब, है कि नहीं भाई लोग? छोटा सा रास्ता है, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। उठा के लेंगे भाई, उठा के लेके जाएगा अबे। ओके दूल्हा ये बंदा भी गुस्सा हो गया। चाय भाभी के घर मिलने वाला। अच्छा मुझे लगता है ये बरात काफी दूर होगी। हाँ। इसलिए इन्होंने नाइट का ट्रेवल किया है ना। यस आए आए आई आल्सो एक्साइटेड क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लोकल बोडो वेडिंग है तो बहुत ज्यादा मजा है। और बी बॉय हमें काफी क्लोज दिखा रहे हो। भाभी की बहन प्यारी है। अच्छा यस तू समझा नहीं ये वो वाला जुमले बोल रहा है। ओके अच्छा पैर भी धोए जाते हैं लगे हैं। मुझे लगता है इसका एक सॉन्ग प्ले हुआ था इंस्टाग्राम में, फेसबुक इंस्टाग्राम इंस्टाग्रामर गोली भाई। ओके ओके इस तरह से ही होते हैं लोकल शादी। अच्छा लोकल शादी में आपको बहुत सा मतलब कि देखने को ड्रामा मिल जाता है। ये बात है। ये क्या है? ये राइस बियर होगा। राइस वो लड़की है। ओके यही नहीं वो उसको आशीर्वाद दे रहा है। नाइस भाई उसने पूरा जंग खत्म कर दिया बिग बॉस ने। यार वैसे बियर्ड का जो राइस बियर्ड का इसका भी नशा होता है गाइस के? नहीं होता यार। होता होगा बताना कमेंट सेक्शन में हमें। पिता ही नहीं था तुम घर में, हर जगह इतना स्वच्छ खाना खाने के। ये कितना प्यारा बनाया हुआ है ना, लाइक वो एक टेम्पल टाइप बनाया हुआ है। खाना कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया जाता है। जबरदस्त ये
या कोई ट्रेडिशनल म्यूजिक सिंग कर रही है। बट मजे की लग रही है मुझे शादी। हाँ लेकिन बी बॉय ने काफी एंजॉय करवाया सब। ओ दूल्हे को जोड़ के सारी बी बॉय के पीछे है। अच्छा यार यहाँ के जो मतलब के लोगों का मतलब के आपस में जो मेल जोड़ा है बड़ों के लोगों वो बहुत फ्रेंड सच है। ये बात ना मुझे बड़ी इम्प्रेस है। ना कोई लेना चाहता है ना हम उनके ले पाते हैं। कहना क्या चाहते हो? ये गलत बात है भाई। ये लड़की के लड़की के साथ भाई साहब ऐसे दिखने को मिलता है गांव के देसी छोरी। इतना सुकून मतलब आप सब भाई से दूर से इस्लाम लड़की नहीं दिखता है लड़का भी दिखता है। ओके ये बॉय ओए भाई शादी चल रही है यहां पे। अच्छा दूल्हे राजा तो नजर ही नहीं आ रहे। हाँ, हर जगह पर बी बॉयज ही जा रहे भाई। हाँ। गजब की बिस्ती है। ओ भाई ये सही लगा था। वाह यार ये तो मुझे तो लग रहा किसी बार में आ गए। अच्छा गाइस ये जो सेंटर में इन्होंने टेंपल टाइप की चीज बनाई हुई है इसके बारे में आप लाजमी हमें कमेंट में बताओ ये क्यों बनाया गया है इसकी क्या मतलब के वजह क्या है रीजन। लगा ऐसा भी होता है मजे है भाई। अच्छा परफॉर्म कर रही है ये बंदी। अच्छा देखना मतलब के लोग क्या 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 कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट के बारे में बट सीरियसली इतने स्वीट कल्चर इतने स्वीट लोग उनका बिहेवियर इतना प्यारा फ्रेंडली इनका आपस में मेल जोल बहुत मजा। हम तो इनके दीवाने बन चुके हैं यार कसम से। बाहर और ये जो विदाई का टाइम ओके ये बाकी में सैड है रोना पड़ता है मेरी जान। ये भी रो रहा है। अच्छा ओके बाय 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 भाभी पहला गु बाय बाय। ऐसे लोकल सुंदरी देखने को मिलता है भीले से क्यूट मैं दिक्कत काय को देता है ना हरामी हो अब शादी करोगे तो रोएगा रोएगा। अच्छा कैसे ये एक बार रोक के दिखा सकता है मुझे रोने नहीं आता। बोलने का स्टाइल काफी अच्छा था मुझे रोने नहीं आता। थोड़ा सा ओ बहन लोग थोड़ा सा वैसे इन्होंने काफी एंजॉय किया इस शादी को। मुझे तो इस लड़के का स्टाइल ज्यादा अच्छा लगा रोने का दुल्हन से भी। द्वार पालो गया बिना पूरा शादी के जो खानदान है ना वही मेरा दोस्त भाई ये दोस्त बना लेता है लोगों को। इसकी भोला भोला चेहरा ठीक है भाई ले लिया साला बराबर भाभी को लेकर ओके बराबर। अच्छा वैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये चीजें अलाउ है बट पाकिस्तान में किसी भी सिटी हाँ। में ये चीजें अलाउ नहीं आती इस बार। नहीं दुल्हन आ चुका है यहाँ पे है अब देखो भाई साहब कुछ इस तरह से माहौल है। ओके अच्छा अब घर की रस्म। हाँ ये हमने अक्सर मिस की है शादियों में ना आज हाँ, चलेगा ये बात है ये हमने अक्सर मिस हाँ, लाइक जब वो दुल्हन को लेके आते तब क्या क्या रस्में की जाती है। वाओ यार सेटअप काफी ब्यूटीफुल है। वाओ काफी अच्छा डेकोरेट किया गया बहुत अच्छा। एंड हां भाई आके यहां पे कुछ इस तरह से मंडप देखने को मिलता होगा आपको जो कि यहां के ट्रेडिशनल ओके ये वो मंदिर का मॉडल बनाया होता है मंडप। अच्छा मंडप बोला मंडप अच्छा मंडप शादी के मंडप पे खाने में वो एग्जाम बेस्ड है। ओके अच्छा इन लोगों ने भी सेम बनाया है। यस
अच्छा ज्यादा दूल्हे को उधर वेलकम किया गया तो वैसे दुल्हन को इधर किया जा रहा है वेलकम। ओके ओके गाइस वाओ इनका डांस काफी इनकी खुशी को जाहिर कर रहा है वाकई में इनकी एक्साइटमेंट नजर आ रही है मतलब कि फर्स्ट टाइम हमने देखा कि दूल्हे के घर में भी इतनी एंटरटेनमेंट हाँ। किया जाता है एंटरटेन होते हैं हमारे मोदी जब दुल्हन को लेके आ जाते हैं तो शादी खत्म हो जाती है कहा ओके आहा ये पंडा आहा आहा वो ब्लैक शर्ट देखना जिसमें व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहना हुआ था अरे लड़कियां काफी ज्यादा है इस साइड में क्या कुछ पूजा पाठ चल रहा है उनका ये भी सही है मुझे लगता है इस वो जो बनाया हुआ है ना इन लोगों ने उसके चक्कर लगाते होंगे हसीना पूरा का पूरा गटार है चटनी का कुछ इस ये टमाटर है मटर मटर ये गाजर ये गाजर और हां ये कुछ चिकंदर चिकंदर बताओ मेरे को पता नहीं है भाई यहां पे पूरा का पूरा चल रहा है इस तरह से इधर प्याज काट रहा है प्याज काटा है आपको कैसा लगा ये बताओ यार हिंदी बड़ी अच्छी स्पीक की है ओके यहां पे क्यूट है वैसे गांव में पूरा का पूरा एक साथ बैठ के ऐसे काम करते हैं यहाँ पे बहुत सारा सब्जियां था जो धोने के लिए लेके गया अब मैं थोड़ा बहुत लेट उठ गया देख रहे यार ये वाली जो चीजें होती है ना सच में ये असल में लाइफ होती है हाँ और इनमें ये चीजें करने में ना बॉन्ड जो होता है आपस में वो काफी स्ट्रांग हो जाता होगा वाकई में पूरा का पूरा सुंदरी सुंदरी ये वाकई में ज्यादा सुंदर है इनका काम चल रहा है यहाँ पे गाजर खाता है क्या खाता है गाजर प्याज ये तो वो एक वायरल भी आंटी भिंडी भिंडी वाली बोल रही है अच्छा इनके चेहरे देखना कैसे मतलब कि आंखें शाइन करती हैं हाँ स्किन काफी ज्यादा अच्छी है इनकी क्या लग रहे हैं यार तो इसी तरह हंसी मजाक के यहाँ पे सब्जी कटाई चल रहा है और हाँ ये खाने का पेंडल है यहाँ पे खाना बना खाएगा हाँ ये जो वलीमा का रस्म होता है ना वो उसके खाना शाना इसी तरह बनता है पूरा लोकल विलेज काफी कुछ बना रहे हैं ये लोग बन रहा है जो कि आप देख सकते हैं पूरा पूरा इसी तरह से चावल बनता है टोमेटो ग्रेवी व्हीट मसाला पूरा का पूरा गैंगस्टर गैंगस्टर ओके बाइक के साथ ये लोग आए हैं शादी देखने ओ राइडर से यार राइडर वाकई है ये वाकई में एक जबरदस्त लोकल वेडिंग है अब खाना खाने के बाद सब खाएगा यहाँ पे सुंदरी सुंदरी लोग बना रहा है तामूल तैयारी ओ या ये काफी शॉकिंग था अंटे की चीज ने इंप्रेस्ड किया यहाँ पे रिसेप्शन के कुछ इस तरह से फोटो वगैरह चल रहे हैं एंड हाँ फोटोग्राफर वगैरह आया हुआ है यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ इस तरह से लोग हैं एंड हमको काम करने जाना है अच्छा सारा इन्होंने पंडाल जो बनाया हुआ है ना मतलब वो सारा कपड़े और बांस से बनाया गया है और काफी जबरदस्त बनाया है ना वाकई में बढ़िया तो होना ही चाहिए लड़की की तरफ से शादी की दहेज आ चुका है भाई अच्छा वलीमे वाले दिन इनका दहेज आता है यस हमारा शादी से पहले आ जाता है हाँ एक दो दिन दाल फिश चिकन चला मजेदार गुल्ला ज्यादा लोग हैं और फिर से बनवाना पड़ा फिर से बनाना पड़ा तो यहाँ पे पूरा का पूरा खाना बना रहे हैं और बनाए रहे बनाए रहे बनाए रहे और लोग अच्छा ये वाला व्लॉग ना वाकई डिफरेंट है हाँ काफी शादी साथ मिल के काम करते देखो ये कैसे बोल रहे हैं खाना बना चल रहा है इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हो पूरा खाना पूरा मस्त है मस्त पूरा यहाँ पे खाना चल रहा है आप देख सकते हैं इधर भी है कि नहीं टेस्टी है टेस्टी है बच्चे काफी तेज है वैसे और सुंदर भी तो मेरी जानू इधर खाना हाय मेरा जानू हाय रियली आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जानू खाना खा रहा है अच्छा है टेस्टी है यम्मी है हिंदी जानता है बोलो कहता हम हिंदी नहीं जानता जिस तरह से खाना कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं यार देख रहा अच्छा इनके माथे पर टीका क्यों लगाया वो ब्लैक कलर का यस ये देखो शाय कर रही काफी सारा हाँ आहा
अभी को खबर का आएगा, अभी खाना बनेगा नहीं मेरे। ओके मतलब ये जो दुल्हन है ना वो खाना बांट रही है, गजब बेइज्जती है। इतना चावल हाँ मैं भी दुल्हन है। हाँ भाभी खाना मेरी होगी। कितना जबरदस्त यार, वाकई में ये रस्में काफी अच्छी लगी है मुझे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, धोना पड़ेगा। और धोइयो पहला गो भाभी ने हाथ धोया, अब खाएंगे खाना। वैसे यार भाभी काफी ज्यादा सुंदर है। ओके हमारी बेस्ट विशेस है इस कपल के लिए रियली। आई डोंट नो इंग्लिश, ओनली हिंदी इंग्लिश। ओके आपको क्या मिल गया भाभी के? तामूल। रहा नहीं जाते बेटा, तुमसे ना हो पाए, तुमसे ना हो पाए। मेरा गर्लफ्रेंड कॉल कर रहा है। कौन? हाइना जी? गर्लफ्रेंड? हाँ हाँ नॉर्थ। इतना इंस्पायर हुआ ना मैं, मतलब आपकी वीडियो देख के भाई। यार बीबर का गेटअप देख ना, कौन सी वीडियो देखी है वैसे इसकी बता दो। मैंने फंस गया, वो इसलिए कंफ्यूज है ना, इसके टाइटल डिफरेंट होता है। ये 2 मिलियन है भाई ना। प्रभजोत सर आए, मैंने उनका हाथ ऐसे रखा भाई, अपना हाथ ऐसे रखा भाई, धक 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 भाई। सच्ची यार दिल बेकाबू हो रखा है यार, देख रहे इसकी एक्साइटमेंट मिलके तो भाई और भी ज्यादा बेकाबू यार। शुक्र है जिंदा, बहुत जिंदा। ये रहे नॉर्थ ईस्ट का बनाओ। नॉर्थ ईस्ट में पता है हम जिस पेट्रोल पंप पे रुके थे, मेघालय से आगे निकले भाई, अगले दिन पता चला एक बंदे का वो काट दिया। क्या समझो यार, समझो सारी चीज काट दी, तीन उंगली काट दी। तो ये भाई नॉर्थ दोबारा बनाते ये मेघालय बन गया। चलो ओके गाइस, तो वीडियो ओवर। तो ये था यार बीबर्स का बहुत ही जबरदस्त। हाँ इसमें हमें दो दो चीजें एंजॉयमेंट करने को मिली, बीबर्स का व्लॉग और बोडो की ट्रेडिशनल वेडिंग। यस योर ये लोकल वेडिंग थी, और आई थॉट कि इसमें वो बहुत कुछ डिफरेंट हमें देखने। हाँ काफी कुछ जिसके बारे में हमें अंदाजा ही नहीं था, वो मंडप और जो दुल्हन को घर लेके आते थे तब क्या क्या रस्में थे, वो उसको जब वो हाथ धुलाए गए थे और बताइए था उसका वो पांव धोए थे, तो ये पांव धोए गए थे ना, ऐसे लग रहा था जैसे बारात आई है वापसी। यस एग्जैक्टली, दूल्हा आया लेने को। और जो थर्ड चीज थी वो थी बोर्डो की सुंदर सुंदर क्यूटी। और मुझे इस वीडियो में सबसे जो बेस्ट पार्ट लगा ना वो लगा आंटी लोगों का जो सब्जी काट रही थी, एक वो एंजॉयमेंट जानू थे जो के, तो वो वाले जो सीन थे ना मुझे बहुत ज्यादा बेस्ट लगे, बहुत ही कमाल का गाइस ये वीडियो था। आई होप सो कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। हम अगेन आ जाएंगे कि नेक्स्ट और एक न्यू वीडियो में।